के दशक की कौन सी थी गुरु चेले पर आधारित मूवी? क्या आज भी मायने रखता है गुरु अपने शिष्य के लिए? श्री 420 में क्या था नरगिस का किरदार? आज हम बात करने वाले हैं फिल्म वार 2 की कहानी के बारे में, जिसमें गुरु शिष्य एक बार फिर नजर आने वाले हैं। लेकिन आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, जहां एक और गुरु अपने शिष्य को हर घड़ी का डटकर सामना करना सिखाता है, वही शिष्य भी अपना अंगूठा काटकर गुरु के श्री चरणों में भेंट करने से पीछे नहीं हटता। इस रिश्ते की इसी मिठास को हमारी आज की नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों में भी खूब भुनाया गया है। बॉलीवुड में ऐसी कितनी ही फिल्में बनी हैं जिन्होंने इस खूबसूरत रिश्तों को बखूबी दर्शकों के सामने पर्दे पर उतारा है, जिन्होंने काफी हद तक कभी न कभी हम में से कईयों को बेहतर करने के लिए प्रेरित भी किया है। बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ खास फिल्मों की करते हैं कुछ बातें। बात की शुरुआत करते हैं 1954 में आई सत्यन बोस की फिल्म जागृति की। ये ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें शिक्षकों के योगदान को रेखांकित किया गया था। फिल्म में शिक्षक की भूमिका अभी भट्टाचार्य ने निभाई, जो अपने छात्रों को महात्मा गांधी की कहानी सुनाकर प्रेरित करते हैं। इस फिल्म का गीत दे दी हमें आज़ादी और आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की आज भी लोकप्रिय है। हालांकि ऐसी फिल्में बहुत ज्यादा नहीं है जिनमें शिक्षक फिल्म की कहानी के केंद्र में रहे हो। फिल्मों में परामर्शदाता जरूर दिखाए गए, ये गुरु और शिष्य के लिए एक मिसाल बनी। फिर साल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई थी। वो पूरी तरह टीचर और स्टूडेंट्स पर बेस्ड तो नहीं कही जा सकती, पर उसमें नरगिस का एक शिक्षिका के तौर पर दिखाना जबरदस्त था। खासकर उन पर फिल्माया गया गीत इचकदाना बिचकदाना आज भी बच्चे खूब सुनते हैं, जिसमें नरगिस ने गुरु की भूमिका को काफी अच्छे से निभाया था। 1960 के दशक में आई अब तक की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में शुमार फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार अपने चेले सुनील दत्त को उसके घर के सामने रहने वाली सायरा बानो के दिल में उतरने के गुरु सिखाते हैं, जबकि फिल्म शागिर्द में IS जौहर अपनी शागिर्द जॉय मुखर्जी को इसी तरह की शिक्षा देते हैं। इसके बाद 1980 में आई फिल्म बुलंदी में राजकुमार एक अनुप्रशासनीय प्रोफेसर बने। फिर आई राजकिरण की शिक्षक की भूमिका वाली हिप हिप हुरडे। ये फिल्म चली नहीं, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुरु शिष्य के रिश्ते दिखाने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में ये एक है। फिल्म में राजकिरण अपनी फुटबॉल टीम के छात्रों को जीतने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। इस तरह शिक्षक कभी कभार फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। फिर महेश भट्ट की फिल्म सर में नसीरुद्दीन शाह शिक्षक के रूप में पढ़ाते भी है और हालात बदलने पर अपराध जगत से टकराते भी है। ऐसी कई गुरु शिष्य पर आधारित फिल्म की कहानी वार में दिखाई गई थी और यही कुछ वार 2 में भी दिखाई जाने वाली है। को ऋतिक और टाइगर की जोड़ी का फिर से स्क्रीन पर वापसी का कितना इंतजार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।